हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इन मॉड्यूलर बॉक्सेस के बारे में। आपने ये मॉड्यूलर बॉक्सेस तो बहुत ज़्यादा देखे होंगे जब आप किसी शॉप पर गए होंगे, जब आपने किसी फिटिंग के लिए संपर्क किया होगा किसी भी दुकानदार से, तो उन्होंने आपको ये मॉड्यूलर बॉक्सेस दिखाए होंगे। लेकिन आप चाहते होंगे कुछ इस तरीके का स्विच सॉकेट और इस तरीके का सीट लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है। बट आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ये वाले भी प्रीमियम फील देते हैं आफ्टर कंप्लीट होने के बाद, और कैसे आप अपने इन मॉड्यूलर बॉक्स लगाने के बाद अपने पैसे बचा सकते हैं, और इन मॉड्यूलर बोर्ड का यूज क्या है, कब ये लगते हैं, क्या ये अंदर वाली फिटिंग लगते हैं या फिर बाहर वाली फिटिंग लगते हैं, या फिर इस टाइप की ये मॉड्यूलर सीट लगवाएं और इसके पीछे बॉक्स लगवाएं। तो आज इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि क्या मॉड्यूलर सीट लगवाना चाहिए या फिर मॉड्यूलर बॉक्स लगवाना चाहिए, और मॉड्यूलर बॉक्स के क्या प्राइस रहने वाले हैं, साथ में मॉड्यूलर बॉक्स लगाने के क्या क्या फायदे हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल वाली होने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने में मेरी हेल्प करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम इन सभी मॉडल बॉक्स को ओपन करते हैं। दोस्तों, ये हमने मॉड्यूलर बॉक्स को ओपन कर लिया। अब सबसे पहले आपको साइज़ के बारे में बताते हैं। ये है तीन मॉड्यूलर का बॉक्स, यानी कि जो ये तीन मॉड्यूलर की हमारी सीट आती है कुछ इस तरीके का बॉक्स, और जब आप ये सीट लगवाते हैं घर में तो इस तरीके का पीछे एक बॉक्स लगता है और इस पर ये फिट हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का ये वाला डिज़ाइन देखने में लगता है। और ये जो मॉड्यूलर बॉक्स वाला डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का देखने में लगता है जब ये हमारा कंप्लीट होता है। तब उसके बाद आता है हमारा ये छः मॉड्यूलर का बॉक्स। वैसे तो बॉक्स वाले बहुत बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18, बट ये कुछ पॉपुलर लेकर आए हैं। ये 6 मॉड्यूलर का बॉक्स, और उसके बाद आता है ये 1, 8 मॉड्यूलर का बॉक्स। इसमें आपको लंबे में और ये चौड़े में दोनों डिज़ाइन देखने को मिल जाती है। और एक आता है हमारा यहाँ पर ये 12 मॉड्यूलर का बॉक्स। तो ये हमारा 12 मॉड्यूलर का बॉक्स जो हम घरों में, दुकानों पर, इन सभी जगह पर लगवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये मॉड्यूलर बॉक्स है। अभी ये सारे बॉक्स ओपन है। बाकी अगर हम डिज़ाइन वगैरह की बात करते हैं तो क्रोम फिनिश की डिज़ाइन में आता है। ये सिल्वर क्रोम डिज़ाइन है जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी प्रीमियम देखने में लगती है। तो अभी यहाँ पर रखते हैं और आपको बताते हैं इनके यूसेज क्या है। जब आप अपने घरों में फट्टी वाली फिटिंग कराते हैं, यानी कि ओपन फिटिंग जिसको कहते हैं, जहां पर अभी केसिंग फिट होती है, तो वहां पर आपने अंडरग्राउंड फिटिंग नहीं कराई है तो केसिंग लगवाएंगे तो आप फिर ओपन वाले बोर्ड भी लगवाएंगे। तो इन्हें आप एक तरीके से ओपन बोर्ड कह सकते हैं। और यहाँ पर ना आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दुकानदार आपको दो चीज़ें दिखाता है। एक सीट दिखाता है कुछ इस तरीके की जिनमें ये स्विच जो है नहीं लगे होते हैं। आपको दिखाते हैं, ये केवल खाली इस तरीके की सीट होती है, और आपसे कहता है ये सीट इस कंपनी के, अगर आप किसी भी बहुत बड़े ब्रांड की बात करेंगे तो वहाँ पर जो उनकी सीट होती है तो उन्हीं कंपनी के आपको सॉकेट लगाने होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नॉर्मल सीट आते हैं जहाँ पर क्ले, कार के लाइट और ग्रीस, ऐसे जो पॉपुलर कंपनी के सिंपल वाले स्विच आपके इस सीट में फिट हो जाएंगे। और यही तरीके का इस बोर्ड है, ये बोर्ड भी कस्टमर जो है शॉपकीपर आपको दिखाता है। वैसे कुछ शॉपकीपर नहीं भी दिखाते हैं क्योंकि सीट थोड़ा महंगी पड़ती है। जितने का ये पूरा बोर्ड आता है उतने की ये आती है, और इसके पीछे का बॉक्स जो कि अलग प्राइस में आता है, तो डबल प्राइस आपसे खर्च हो जाता है। और दोनों का काम वही है फिट होने के बाद, बस यहाँ पर थोड़ा सा ये फिनिशिंग डिजाइन देखने को मिल जाती है क्योंकि इसमें बोल्ट में अंदर से फिट होते हैं और यहाँ पर ये बोल्ट फिट होते हैं, उनके ऊपर कवर लग जाता है तो ये थोड़ा बंद सा दिखने में लग जाता है। बाकी थोड़ा सा डिजाइन का फर्क ये है कि ये थोड़ा पत्ता लगता है और ये थोड़ा मोटा लगता है, तो ये भी डिफरेंस एक निकल सकता है। बट अगर आप एक ओपन फिटिंग कराना चाहते हैं और काफी कम बजट है तो इस मॉड्यूलर बॉक्स को आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस जो है इसके सीट से और इसके सरफेस बोर्ड से एकदम आधी हो जाती है, यानी कि जितने भी आपके बोर्ड लगने वाले हैं उनके जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये 6 मॉड्यूलर की सीट जिसमें ये स्विच सॉकेट फंसे हुए हैं। अब ये नॉर्मल हॉस्पर कंपनी के स्विच सॉकेट है, तो इसमें से हम किसी एक 5 पिन को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो 5 पिन है हमारे नॉर्मल जो मॉड्यूलर बॉक्स है उनमें भी लग जाएंगे। तो हम आपको फिट करके दिखाते हैं। ये हमने सॉकेट निकाल दिया है, अब यहाँ पर हम एक सॉकेट को फिट करते हैं। हम आपको तीन मॉड्यूलर के बॉक्स में भी फिट करके दिखा देते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का फिट हो गया है। अब एक स्विच हम ले लेते हैं और स्विच को भी आप आपको फिट करके दिखाते हैं।
तो ये हमारा स्विच फिट हो गया है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जो हमारा इस सीट में लगने वाला है स्विच सॉकेट, वही स्विच सॉकेट हमारा इस मॉडलर बोर्ड में लग गया है। अब प्राइसिंग की बात करते हैं तो एकदम हाफ हो गई है सीट सॉकेट से, और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिखने में लगता है अगर हम मॉडलर बॉक्स की बात करते हैं। तो अगर आप एक ओपन फिटिंग कराना चाहते हैं, बजट बहुत ही कम है और पैसे ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं लेकिन क्वालिटी अच्छी लगवाना चाहते हैं, तो आप इन मॉडलर बॉक्स को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इनकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो सबसे छोटा मॉडलर बॉक्स 50 रुपये या फिर उससे कम रुपए में आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में। डिपेंड करता है क्वालिटी कैसी है। अभी हम आपको ये प्रोडक्ट दिखा रहे हैं बट क्वालिटी अपने हाथ पे पकड़कर फील कर पाएंगे। तो क्वालिटी जितनी ज़्यादा मजबूत होगी या फिर जिस भी कंपनी का होगा तो प्राइस उतना ही ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं। अभी आ जाता है 6 मॉडलर का बॉक्स। इसकी प्राइसिंग जो है 60 रुपये से लेकर 90 रुपये के आसपास हो सकती है, डिपेंड करता है क्वालिटी किस प्रकार की है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये 8 मॉडलर का बॉक्स, जिसकी प्राइसिंग 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच होती है, डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा देते हैं, ये जो 8 मॉडलर का बॉक्स है ये थोड़ा सा चौड़ा रहता है, तो यहाँ पर जब भी आप मार्केट से लें तो ये ध्यान रखें कि इसके बीच में ये जो दो सपोर्टर है ये ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि अगर ये सपोर्टर बीच में किसी भी ब्रांड के अंदर नहीं होते हैं तब जब ये आप ये वोट फिट करते हैं और अपना जो 5 पिन प्लग लगाते हैं तो यहाँ पर बहुत करने से पोस सकता है, तो ये जो रिंग है ये टूट भी सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये हमारा 12 मॉडलर बॉक्स, इसकी जो प्राइसिंग है 90 रुपये से लेकर 120 रुपये के आसपास आ जाती है। अगर हम बढ़िया कंपनी क्वालिटी की बोट की बात करते हैं तो आप इसे मार्केट में का चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फिनिशिंग के मामले में ये काफ़ी अच्छे बोर्ड हैं, इन्हें आप एक बार मार्केट में ट्राई कर सकते हैं और अपने स्विच सॉकेट को यहाँ पर फिट भी कर सकते हैं। तो ये जो मॉडलर बॉक्स हैं ये काफ़ी अच्छे हैं, तो आप चाहो तो सीट को अवॉइड करके इस मॉडलर बॉक्स को ले सकते हैं, जो कि आपके काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाले हैं और एक प्रीमियम डिज़ाइन और फील भी देने वाले हैं और अपने कम बजट में अपनी फिटिंग को करवा सकते हैं। तो आई होप आज इस वीडियो में मॉडलर बॉक्स का आपको फ़र्क और रेट समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में जाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए एंड करते हैं आज की वीडियो यहीं पर, मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।